आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट से आपको खबरों से अपडेट करने का, टॉप 100 पर एक नजर डालिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन लगातार जारी है 21वां दिन, लेकिन दिल्ली की सर्दी में भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसकी अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। रोजाना अन्य राज्यों में भी किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस बीच आज किसानों ने दिल्ली नोएडा और चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया। किसान मोर्चा की अगर बात करें तो किसानों ने सरकार से अपील की है कि उनके आंदोलन को बदनाम ना करें, अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बातचीत की जाए। किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून, किसान आंदोलन और अन्य मसलों पर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर इसको हितकारी करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों को डराने और भड़काने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानूनों के मसले पर एक वीडियो ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंश्योरेंस के नाम पर किसानों को लूटने का काम हो रहा है और कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होगा। किसानों की मांग को देखते हुए आज केंद्र कैबिनेट की बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आंदोलनकारी किसानों को रिटायर्ड जवानों का भी साथ मिल रहा है। सैनिकों का कहना है कि सरकार ने अगर किसानों की मांग नहीं मानी तो देशभर के सैनिक 26 जनवरी को राष्ट्रपति को मेडल वापस लौटा देंगे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में सेना के जवानों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए हैं। इस मशाल को देश के अलग अलग कोने में ले जाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त आसमान में भी सेना की अगर बात करें तो सेना ने परचम लहराया है और अपना शौर्य भी दिखाया। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया है। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत की गई। विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर युद्ध में जीत की बधाई दी और सेना को सलाम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ा दी है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो आईबी की रिपोर्ट और सनी देओल को लेकर सुरक्षा में जो सेंध मारी की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। देश को हिला देने वाले निर्भया केस की आज बरसी है। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगी। आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को भले ही न्याय मिल गया हो, लेकिन हम आगे भी दूसरी बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। केरल में स्थानीय निकाय के हुए चुनाव की वोटिंग गिनती जारी है। आज 1199 स्थानीय निकाय को नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच डीडीसी के चुनाव के जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। 7वें चरण का मतदान है, 8वें चरण की वोटिंग 19 दिसंबर को होगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अप्रैल में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संगठन चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने वाली है। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बंगाल में लाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें PGI रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जो हिटलर गिरी कर रही है उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शशि थरूर ने भी सवाल खड़ा किया, कहा कि क्या हम सूचना प्रौद्योगिकी में इतने कमजोर हैं कि 543 सांसदों को नहीं जोड़ सकते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर भी कहा गया कि आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं संसद सत्र चलाया जा रहा। बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कोरोना की वैक्सीन को लेकर मुहर लग गई है कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और वरिष्ठ नेता अजय माकन इस महीने राजस्थान आएंगे। अजय माकन को यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान भेजा जा रहा है कि पीसीसी के पुनर्गठन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए। राजस्थान के सभी आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऐलान कर दिया है। यूपी के मुरादाबाद में कथित लव जिहाद और धन परिवर्तन मामले में नया मोड़ आया। जांच के दौरान पाया गया कि लड़की बालिग है और उसका निकाह जुलाई महीने में हुआ था। पटना के रहने वाले 19 साल के छात्र ऋतिक राज ने देश का नाम रोशन किया है। ऋतिक की पढ़ाई में गहरी रुचि देखते हुए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने राज को 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। महाराष्ट्र में सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 980 रुपए में आरटीपीसी टेस्ट होगा। वही जनवरी से पहले सप्ताह तक जुम्बो कोविड 19 सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बीएमसी ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई। इसके साथ कुल मृतकों की संख्या 1,44,096 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रिकवरी रेट में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है और आपको जानकारी दे दें कि कोरोना महामारी का ग्राफ अब बड़ी तेजी से घटती रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक चाल उड़का है और मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली की सर्दियां और भी बढ़ेंगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से इलाकों में रहने वाले लोग जो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि लोग अपना ध्यान रखें। हालांकि 2-3 दिन से जो तापमान है राजधानी दिल्ली का 3 डिग्री तक गिर जाएगा आगे आने वाले दिनों। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश होने की भी संभावना जताई गई। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु में 17 से 18 दिसंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कर्नाटक के मुद्दे बिहार में राज्य शिक्षक संघ के चुनाव के लिए मतदान किया गया है। मतदान के दौरान शिक्षकों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। हमीरपुर में मोरंग खदान से लापता युवक का बेतवा नदी में शव मिला है। परिजनों ने धमकी देने वाले दबंगों के ऊपर हत्या करने की आशंका जताई है। जोधपुर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया और 5 चोरों को गिरफ्तार कर 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। रोहतक के NH 9 में ग्रामीणों ने किसानों के लिए चंदा इकट्ठा कर 24 घंटे की लंगर की व्यवस्था की। पंजाब, हरियाणा के भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। सोलन में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किसानों के आंदोलन में राजनीति लाने से परहेज करने की मांग की है। कहा, कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। फरीदकोट में किसान मजदूर और जत्थेबंदियों ने डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर का घेराव कर लिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगरूर अदालत ने एक मानहानि केस में गायक सिद्धू मूसेवाला को 5 जनवरी को पेश होने के आदेश दे दिए हैं। गायक पर एक गाने में वकीलों के लिए अपशब्द प्रयोग करने का आरोप लगा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार किसानों से टकराव पर रास्ता छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान सत्ता देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं, इसलिए टकराव की स्थिति की जल्द समाधान की कोशिश हो। आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक में 56 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बस्ती में SP के नेतृत्व में 55 खोए हुए मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं और उनके मालिकों को लौटा दिया गया, जिसकी कुल कीमत 7 लाख से ऊपर बताई गई है।
बेंगलुरु में बीजेपी जेडीएस की मनमानी को केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने गलत बताया और सदन के नियमों का उल्लंघन करने की बात कही। रायचूर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाया गया है। जेडीएस मुख्य सचिव ने एक लघु कथा संवाद रखने का निर्णय लिया है। चामराजनगर में डीएसएस संगठन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षण प्रणाली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार की अगर बात करें तो रिजर्वेशन में मिलने वाली सुविधाएं रोकने का आरोप भी लगाया गया। फतेहपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। मथुरा की संस्था को बंदर पकड़ने का काम मिला है। मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से कार में 17 पेटी देशी शराब और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। गदरपुर विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र पाल सिंह कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका गया है। कृषि कानूनों के समर्थन में ये पुतला फूंका गया। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी धर्मों के रीति रिवाजों के साथ 111 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। मुरादाबाद में पिंकी नाम की युवती को 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। कोर्ट ने उन्हें ससुराल भेज दिया है। कानपुर में पुलिस ने विदेशी महिला से रेप के आरोपी कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया था। साहिबगंज में सूर्या नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है, जिससे मरीजों में हड़कंप मच गया। जालंधर में ट्रक की टक्कर से मारुति कार कई बार पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार सवार पति पत्नी और बच्चे बाल बाल बच गए। बिहार के पूर्णिया में सरकार का 88,72,000 की लागत से बने पंचायत भवन का निर्माण 5 साल से अधूरा पड़ा है। पंचायत भवन को पशु चारा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झरिया में 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के टाटा कंपनी के गेट के सामने झारखंड मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन मजदूरों और सफाई कर्मचारियों को सीधी बहाली देने की मांग की गई है। झांसी में समाजवादी पार्टी के धरने के दौरान एक युवक की महिला वकील ने थप्पड़ से जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक महिला से छेड़खानी कर रहा। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने पिछले 2 साल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, ये निशाना साधा गया है। मुजफ्फरनगर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा है। कई विधायक मंत्री सहित हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। यूपी के बुलंदशहर की साप्ताहिक पैट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। हर हफ्तों यहां लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन प्रशासन खामोश है। सोनभद्र में सपा कार्यालय के पास एक युवक का शव गाड़ी के पास पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी में बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 2 युवक को रौंद दिया है, जिससे दोनों युवकों को मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। और अस्पताल जब वो पहुंचे, उनका शव पहुंचा, तब ये बात कही गई कि उनकी जो मौत की पुष्टि थी वो पहले ही कर दी थी। सेंसेक्स 310 अंकों की तेजी के साथ 46,573 पर खुला, जबकि निफ्टी 96 अंकों की तेजी के साथ 13,663.10 पर खुला। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार 9वें दिन भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपये मिला, वहीं डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर टिक रहा है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया गया, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम में 18 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए डाक पे ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को यूपीआई से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,600,00,000 रुपये की चीनी निर्यात सब्सिडी पर आज से विचार करने की कोशिश की है। सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए कदम उठाने को तैयार है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 5G का ट्रायल जल्द शुरू होगा। उनका यह भी कहना है कि 2035 तक भारत में 100 करोड़ मोबाइल फोन, 5 करोड़ टीवी सेट और 5 करोड़ आईटी डिवाइसेस का उत्पादन कर लिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रतिदिन 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इन क्षेत्रों में लगभग 3.45 लाख नौकरियों को भी नुकसान पहुंचा। को ब्रांडेड कार्ड का इस्तेमाल वेबसाइट और ऐप के जरिए एलपीजी सिलेंडर बुक करने और स्टोर में खरीदारी करने के लिए किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल करने पर कार्ड होल्डर को 25 गुना रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल सकते हैं।
मिसेस बैक्टर्स के आईपीओ को शुरुआती पहले घंटे में शानदार रिस्पांस मिला है। आईपीओ ने पहले दिन में 3.7 गुना सब्सक्राइब पर जुटा लिया है। सोशल मीडिया की ओर से फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस 2 दिवसीय इवेंट में आशा, जुनून और संकल्प से जुड़ी कहानियों को सेलिब्रिटी लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ इसे सेलिब्रेट भी किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 7,32,00,000 के आंकड़े को छू गया है, जबकि कोरोना से अब तक 16,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में जल्द ही कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी मिलने वाली है। एफडीए की बैठक में इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिकी नागरिकों से वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने की अपील करेंगे। वे देश के नागरिकों में वैक्सीन संबंधी डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने की सजा से संबंधित नए कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है। क्रूर आतंकी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया के स्कूल पर हमला कर करीब 330 बच्चों के अपहरण की जिम्मेदारी। टोक्यो की अदालत ने ट्विटर किलर नाम के कुख्यात एक व्यक्ति को 9 लोगों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पाकिस्तान सरकार ने फर्जी डिग्री विवाद में निलंबित किए गए पीआईए के 110 पायलटों को फिर से विमान उड़ाने की इजाजत दे दी। वैज्ञानिकों ने लाल सागर में लवारिस टैंकर से तेल रिसाव के खतरनाक परिणाम को लेकर चेताया और टैंकर से तेल को हटाने का आह्वान किया। फिलीपींस के मिडानाओ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने का जो तीव्रता थी 6.3 मापी गई है। भूकंप में कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर बायोपिक बनने जा रही है। इस बायोपिक को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करेंगे। अभिषेक चौबे इसके डायरेक्टर होंगे। सारा अली खान ऊपर वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 का नया गाना मम्मी का सम रिलीज हो गया है। फैंस इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुनीत पाठक और उनकी पत्नी निधि ने अस्पताल पहुंचकर रेमो डिसूजा से मुलाकात की है। आपको बता दें रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से कंगना रनौत पर निशाना साधा। स्वरा ने कंगना का उदाहरण देते हुए कहा यह जरूरी नहीं कि एक अच्छा एक्टर अच्छा इंसान भी हो। एक्टर पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी फिल्म कागज 7 जनवरी 2021 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा थिएटर में 7 जनवरी को दिखाई जाएगी। श्रीसंत घरेलू क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। श्रीसंत को 10 जनवरी से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए केरल की संभावित टीम में चुना गया है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कल से एडिलेड में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। कपिल देव ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को टेस्ट सीरीज में उछाल लेती पिचों को देखकर उत्तेजित न होने और अपनी ताकत से गेंदबाजी करने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 2 स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर का मानना है कि आगामी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अगर भारत जीत दर्ज करता है तो इससे जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। टॉप 100 में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले चुके हैं, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।